अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जो है लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल पर ज्वाइंट मेंबरशिप नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो है, आप वो लिंक से वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई भी हमारे चैनल पे स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जितने भी नागरिक है, सिटीजन्स है, उनके लिए जो है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टू स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है लर्निंग लाइसेंस का होता है, फिर दूसरा स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर परमानेंट लाइसेंस होता है। अब ये जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो उसको जो है 6 मंथ्स पीरियड की वैलिडिटी दी जाती है, उसके बाद फिर आप रिन्यूअल करा सकते हैं और 6 मंथ के लिए, यानी कि 1 ईयर के लिए आप लर्निंग लाइसेंस पर अपना जो भी बाइक है, जो भी आप विदाउट गियर या गियर की जो है आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है परमिशन दी गई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से। अब यहाँ पे देखिए, स्टेप 1 क्या है, लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, और इसके लिए आपको स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन। आप घर बैठे भी स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। जो भी आपका साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन, जो भी हैदराबाद में आपके करीब के जो है ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां पे आप अपना जो है स्लॉट बुक कर सकते हैं टेस्ट के लिए, लर्निंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट के लिए। पहले तो जो है लर्निंग लाइसेंस ऑप्टेन करने के लिए, इसको लेने के लिए जो है आपके पास पर्सनली अपीयर होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लर्नर्स लाइसेंस फॉर्म नंबर 2, ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका प्रिंट भी निकाल ले सकते हैं आप। उसके बाद 150 रुपीज़ चार्ज लगेंगे फॉर ईच क्लास ऑफ द व्हीकल के लिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज देना पड़ेगा आपको, प्रूफ ऑफ एज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी SSC का सर्टिफिकेट की कॉपी आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आपका जो घर है उसका प्रूफ देना पड़ता है, उसके लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, दोनों में से एक कॉपी दे सकते हैं आप। उसके बाद फॉर्म 1A जो कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म है, ये बहुत जरूरी होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको कोई डॉक्टर सर्जन से जो है सिग्नेचर करा के लाना पड़ता है, ऑनलाइन प्रिंट आपका मिल जाएगा, इसको फॉर्म 1A बोलते हैं। उसके बाद फॉर्म 1 होता है जो एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एज फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये खुद आपको फिलअप करना पड़ता है और आपकी सिग्नेचर वहां पर लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद टेस्ट है जो कि बेसिक ट्रैफिक साइंस एंड ड्राइवर रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से जो है आपको एक टेस्ट देना होता है, फिजिकली जाके पर्सनली अपीयर होके जो ड्राइविंग सेंटर पे जहां पे आपका स्लॉट बुक हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है 6 महीने के बाद, फिर वो जैसा ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लाइसेंस टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल फॉर्म 4 बोल के रहता है, वो फॉर्म 4 जो है आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से तेलंगाना की, वहां से आप प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में, काफी जने परेशान है सर, ओवरसीज स्कॉलरशिप किसको आती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, काफी जने पूछ रहे, तो उसके लिए ये वीडियो देख लीजिए। ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है, जो भी स्टूडेंट्स बाहर का सोच रहे हैं, फॉरेन का सोच रहे हैं, उनके लिए ये अवेलेबल है, गल्फ के लिए अवेलेबल नहीं है, याद रख लीजिए। ओवरसीज स्कॉलरशिप सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है, और ये स्कॉलरशिप जो है ST SC BC और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है, एवरी ईयर दी जाती है, 20 लाख तक आपको दी जाती है। वहाँ पे जब आप बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपकी सेमेस्टर फीस वो ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 5 लाख रुपीज़ होना है फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ योर फैमिली, ठीक है। अब कौन से कंट्रीज अवेलेबल है वो देख लीजिए, USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है और फ्रांस में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्कॉलरशिप अप टू 20 लाख आपको जो है दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से। उसके बाद ओनली 1 चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली जो है ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं, एक ही जने ले सकते हैं फैमिली में। उसके बाद 60% ग्रेजुएशन में मार्क्स आना जरूरी है और एलिजिबल स्कोर आना जरूरी है। जो भी आप एग्जाम लिख रहे हैं, GRE GMAT या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट TOEFL, जो भी आप एग्जाम लिख रहे हैं उसमें जो है एलिजिबल स्कोर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको डिटेल बता दिया हूं, और कुछ भी डिटेल्स अगर आपको पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने दो, चाहे ओवरसीज स्कॉलरशिप रहने दो, चाहे पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक, वो याद रख लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो आप जरूर जो है बना के रख लीजिए अपने पास, एकदम पर्सनली रख लीजिए। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपका कास्ट है, BC ST SC, आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो उसका
सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, पर ईयर इनकम सर्टिफिकेट चेंज होता है, एवरी ईयर इनकम सर्टिफिकेट चेंज होता है, तो वन ईयर का इनकम सर्टिफिकेट की वैलिड रहती है, इसका वैलिडिटी पीरियड वन ईयर रहता है, तो इनकम सर्टिफिकेट बना के अपने पास रख लीजिए। मस्जिद लेटर वो बना के रख लीजिए, बहुत जरूरी होता है मस्जिद लेटर। फिर उसके बाद जो है माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है, काफी स्टूडेंट्स अपना माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। ये माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट आपको मी सेवा पे प्रिंट मिल जाएगा और स्कूल को जाके वहां से आप स्टैंप और सिग्नेचर ले सकते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट काफी ज्यादा वैल्यूबल है। उसके बाद होता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो आपका घर है, जो आपका होम प्लेस है, नेटिव प्लेस, वहां का रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी आपका जो है घर का एड्रेस का प्रूफ पूछता है, रेसिडेंस प्रूफ पूछता है, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ-साथ जो है आप पैन कार्ड बहुत जरूरी हो गया है आजकल एवरीवेयर, जो है बैंक में विदाउट पैन कार्ड आप सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, तो पैन कार्ड बहुत जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड तो बहुत जरूरी है, आधार कार्ड अपना एकदम अपडेट रहना जरूरी है, अगर आधार कार्ड आपका जो है अपडेट नहीं रहा तो थंब इंप्रेशन में, आईस के, ठीक है, कोई भी चीज़ में जो है प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका आधार कार्ड अप टू डेट नहीं रहा। मतलब अप टू डेट रहना मतलब मोबाइल नंबर जो है अकाउंट से लिंक्ड रहना चाहिए, आपका थंब इंप्रेशन उसमें आना चाहिए जहां पे भी आप कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ और कुछ गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वाइट राशन कार्ड है, आयोग्रीश्री हेल्थ कार्ड है। आयोग्रीश्री हेल्थ कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आजकल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहां पे भी स्पेशली फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो गया है, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, कोई ऑपरेशन आपको बड़ा कराना है या करवाना है आगे चल के, तो आपके पास आयोग्रीश्री अगर सर्टिफिकेट रहा, आयोग्रीश्री कार्ड आपके पास अगर रहा, तो आपको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से जो है फायदा होने वाला है, आपको फ्री जो है इलाज किया जाएगा मेडिसिन को छोड़ के। तो उम्मीद करता हूं ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया हूं, आप लोग जरूर अपना हैंडी रख लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ पेंशन कार्ड भी है, जो अबव 65 इयर्स के अबव जो है 65 इयर्स के ओल्ड पीपल्स हैं उनके लिए पेंशन कार्ड आ रहा है। एवरी मंथ जो है आपको 2000 रुपीस से ज़्यादा जो है मंथली अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, तो आयोग्रीश्री कार्ड का बेनिफिट भी है, पेंशन कार्ड का भी बेनिफिट है, ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरी डिटेल्स लेने की आके आपको जो है बताऊंगा डिटेल्स। आज की इस वीडियो में इतना ही, अपने दोस्त अपने भाई कामरान को इजाज़त दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। तबीयत उतना सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश किया हूँ। आज तबीयत उतनी सही नहीं है, टोटली जो है बहुत वीक है और बहुत जो है परेशान भी हूँ कोई वजह से, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में हो गई। कोई भी अगर जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक हो गई है वीडियो में तो माफ़ कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपने भाई अपने दोस्त कामरान एजुकेटर को इजाज़त दीजिए, कोई भी डाउट है तो नीचे ज़रूर पूछिए आपका जो भी डाउट है, और चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के सामने जो है पेश किया हूँ, आप लोगों के सामने वहाँ पर रखा हूँ, आधार कार्ड से रिलेटेड, राशन कार्ड से रिलेटेड, वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट कार्ड से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।